तो तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा दर्शन कराओ, बोले नहीं नहीं, हां एक बात बतला दूं, दर्शन कराने वाले से मिला सकता हूं, वो भी मिलाऊंगा नहीं, रास्ता बतला दूंगा। बोले बताओ। बोले जह रामायण सुनन सिधारो, सब ते पाछे जाए निहारो। जह रामायण सुनन सिधारो, जहां रामायण सुनने जाते हो वहां सबसे पीछे देखना, एक श्रोता सबसे पहले आता है और सबसे बाद में उठ के जाता है। आंखों से कम दिखता है, पैरों में रोग हैं, अत्यंत बूढ़ा है, दरिद्री है, भिखारी जैसा भेष है। तो बोले क्या है उसमें? बोले सो है साचो पवन कुमारा, 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 राम कथा ते सुनन अधारा, राम कथा ते सुनन अधारा, राम कथा ते सुनन अधारा, राम कथा ते सुनन अधारा। जहां रामचरित्र सुनाते हो वहां देखो सबसे पीछे एक श्रोता आता है, वही सत्य में हनुमान जी। यदि किसी विधि से तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हें राम जी का दर्शन करा सकते हैं। और हमने आज कथा के पहले समय क्या कहा था कि हनुमान जी का चित्र रखना, घी का दिया जलाना और लड्डू प्रसाद रख के हनुमान जी को कथा सुनाना, किसी न किसी दिन वही राम जी से मिला सकते हैं और संसार में दूसरा कोई भी नहीं मिला सकता और इस कलयुग में भी मिला सकते। तुलसीदास जी गए, प्रतीक्षा करने लगे, जैसा प्रेत ने बतलाया देखा एक श्रोता आ रहा है, आकर के व्यास आसन को प्रणाम किया, सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया, कथा सुनी। जब सब श्रोता चले गए तो एकदम वृद्ध की तरह धीरे धीरे श्री राम जय राम कह के जाने लगा। बाबा ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज अरे भैया हम गिर जाएंगे, हम रोगी हैं, छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं, किसी और को आप बनाइए, मुझे नहीं बना सकते, आप अपना दर्शन दो। बोले तुझे जो चाहिए ले ले, सुख संपत्ति, तेरी पत्नी फिर से मिला दे। पहले लालच देते हैं, हाँ ये ध्यान रखना। बोले तेरी पत्नी से तुझे मिला दे। बोले नहीं नहीं, मुझे केवल आपका दर्शन करना है, या तो मुझे दर्शन दो नहीं इन्हीं चरणों से मेरा वध कर दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले ये केवल मुझे चाहता है। बोलो तुलसीदास अब क्या चाहिए? बोले चाहो नहीं कुबेर को शुबेर एक सुरेश पद, चाहो नहीं कुबेर को शुबेर एक सुरेश पद, और चाहो नहीं ज्ञान इनमें ज्ञानी कहाऊं मैं, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि ते, जन्म मरण रहित अविचल पद पाऊं मैं। बोले मैं इंद्र जैसा राज्य नहीं चाहता, कुबेर जैसा धन नहीं चाहता, बड़े बड़े पंडितों में मेरा नाम हो ये भी नहीं चाहता, और जन्म मरण से रहित ईश्वर में लीन होने वाली मुक्ति भी नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? बोले उर में बस एक यही लालसा है शेष सुनो, ताहि कर जोर में नाथ को सुनाऊं मैं, जिन पे मढ़रावे मन मधुप मुनीशन का, तिन मंजु पद कंजन की पन ही बन जा। हनुमान जी वो कार्य सिवाय आपके दूसरा नहीं कर सकता, एक ही इच्छा है मेरे मन में कि जिन चरण कमलों पर बड़े बड़े मुनियों का मन भौरे की तरह लुभाता है, मुझे भी उन चरणों का दास बना दो,
छाई रहो रे मेरे नैनन में राम रंग 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 पानी में सीप सीप बिच मोती 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 मोती पे मनवा हम मोती पे मनवा चाय रहो रे मेरे नैनन में राम रंग छाई रहो रे मेरे नैनन में राम रंग छाई रहो छाई रहो छाई रहो रे कमल कमल बिच कलिया पानी में कमल कमल बिच कलिया पानी में कमल कमल बिच कलिया पानी में कमल कमल बिच कलिया कलियों पे भोरा कलियों पे भोरा राय रहो रे मेरे नैनन में राम रंग छाए रहो रे मेरे नैनन में राम रंग पानी में बाग बाग बिच बगुला 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 बगला में दुनिया बगला में दुनिया हमारे रहो रे नैनन में राम रंग छाए रहो रे मेरे नैनन में राम रंग छाए रहो रे मेरे नैनन में राम रंग और कछु नहीं आशा बोरे और कछु नहीं आशा मेरे और कछु नहीं आशा और चहो रघुपत कर दासा हो नैनन में राम रंग छाए रहो रे मेरे तुलसीदास जी बोले हनुमान जी आप मिल गए तो संपत्ति लेके क्या करूंगा अब तो केवल राम जी के दर्शन करा दो। देखो ऐसा है कि जब तक हम सबसे कीमती वस्तु जिसे मानते हैं उसी को पाने की लालसा रहती है और जब उससे भी कीमती वस्तु सामने आ जाती है तो वो कीमती वस्तु भी छोटी लगने लगती है। विदर्भ राज्य में एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी राजा की और बगीचे में एक माली का बेटा रहता था। अब राजकुमारी जब बगीचे में जाती थी
तो माली का बेटा उस पर मोहित होता रहता था। परंतु कामना कैसे थी, सूर्य को पकड़ने जैसी उस समय, कहां राजकुमारी कहां माली का बेटा। मिलने की स्वप्न में भी आशा नहीं थी, फिर भी एक दिन साहस करके उस माली के पुत्र ने राजकुमारी की एक सखी के द्वारा संदेशा भेज ही दिया। बोले अपनी राजकुमारी से कहो कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। और उत्तर वही मिला जो होना चाहिए था। राजकुमारी ने कहा मालिक के पुत्र से कहना अपनी ओर देखे और हमारी ओर देखे, वो हमारे सेवक के सेवकों का भी सेवक है, हमारा उसका मिलाप नहीं हो सकता। मालिक का पुत्र उसके मोह की चिंता में दिन रात गलने लगा। जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो जीवन अच्छा नहीं लगता। न माता के बस में कुछ था, न पिता के बस में कुछ था कि उसकी इच्छा पूरी करा दें, क्योंकि राजकुमारी से विवाह न माली करा सकता था न मालिन करा सकती थी। एक दिन एक संत आए, उन्होंने देखा कि माली का लड़का कृषित होता जा रहा है, इसके मन में कोई चिंता है। उससे पूछा अकेले में, बेटा क्यों दुबले हो रहे हो? बोले महाराज हमारी कामना ही ऐसी है कि जो पूरी नहीं हो सकती। बोले संसार में भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि संसार की कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूरी ना हो, पर तुझे विश्वास होगा करेगा? बोले करे, आप जो कहें प्राण भी दे दूंगा। बोले प्राण देने की जरूरत नहीं है, प्राण देने वाले तो मूर्ख होते हैं, आत्महत्या करने वाले मूर्ख होते हैं, क्योंकि भजन भी बिना शरीर के नहीं होता है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बाद मिलता है, इसे किसी के मोह में आत्महत्या करके गला दो, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तुम आत्मा ने कहा आत्महत्या नहीं, निरंतर भगवत नाम जपो। माली का लड़का निरंतर भगवत नाम जपने लगा 24 घंटे में, बस भोजन स्नान थोड़ा सा विश्राम नहीं, निरंतर नाम जपता था। और भगवत नाम जपने से तेज बढ़ने लगा। अब उसकी ख्याति हो गई कि बाल अवस्था वाला साधु निरंतर भजन करता है, निरंतर भजन करता है। लोग उसके दर्शन को आने लगे और भजन के प्रभाव से लोगों की कामना पूरी होने लगी। धीरे धीरे उसका इतना प्रभाव बढ़ा कि राजा भी गए उसके दर्शन को, और राजा को भी उसके चरणों में बड़ी शांति मिली। राजा ने जाकर के पुत्री से कहा, बेटी हमारे बगीचे में एक बड़ी छोटी अवस्था का महात्मा आया है, दिन भर भजन करता है, तुम भी उसका दर्शन करो। राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के गई, जाते ही पहचान गई, ये तो वही माली का लड़का है जो मुझसे विवाह करना चाहता था, मैंने इसे ठुकरा दिया। परंतु भगवत भजन का प्रभाव, राजकुमारी के मन में एक विचार आया, बोले मेरा विवाह तो किसी न किसी से होगा ही, पर मेरे कारण इसका जीवन नष्ट हो रहा है, मेरे और इसके बीच केवल संपत्ति का ही तो अंतर है, मेरे पिताजी इसे संपत्ति दे देंगे तो ये मेरे बराबर हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तो राजकुमारी ने उल्टा प्रस्ताव उसके आगे कर दिया कि यही कारण यह रूप बनाई और सो कन्या तुमरे ढिंग आई। अरे माली के बेटा, जिसलिए तैने ये रूप बनाया है, चल मैं तेरे से विवाह करना चाहता, पर यहां उल्टा हो गया। अब कन्या की कीमत कम हो गई, उससे भी कीमती वस्तु सामने आ गई। बोले जो राजकुमारी मेरी ओर देखती नहीं थी, आज वो स्वयं विवाह का प्रस्ताव कर रही है, तो जिसके नाम में इतना प्रभाव है कि उसके नाम से राजकुमारी खिंचके मेरे पास चली आई, तो वो कैसा होगा? नाम है जिसका तारण हारा,
कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माली के पुत्र ने राजकुमारी से कहा, देखो राजकुमारी अब तो समय निकल गया, जब मैं तुम्हें चाहता था तुम मुझे नहीं चाहती थी, और आज जाओ सुंदरी अपने वास, अरे जाओ सुंदरी अपने वासा, और अब मोहि राम मिलन की आशा, अब राम मिलन की आशा, अब मोहि राम मिलन की आशा, अब मोहि राम मिलन की आशा। अब तेरे रूप का आकर्षण मुझे मोहित नहीं कर सकता, अब तो मुझे उसे देखना है जिसने तुझे मेरे पास, तो जब तक हमको ठाकुर का रास्ता नहीं मिलता है तब तक इस संसार की चकाचौंध में डूबे रहते हैं, लेकिन जब उसका रास्ता मिल जाता है, हमें घड़ी दिखाने वाले समय से आइए 2 बजे, अगर हमारा समय खींचोगे तो हम रात 12 बजे तक खींचेंगे, आप 2 बजे इस पंडाल में आ जाइए, हम ठीक 5 बजे कथा को पूर्ण कर देंगे। बोलो जय श्री राम। जाहु सुना सुंदर होगा, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश्चिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर चरणों में निस्दिन ध्यान लगाते हैं, जोगी तुम्हारे दर पर आए मन वांछित फल पाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पर आए मन वांछित फल पाते हैं। नाम है जिनका तारण हारा, नाम है जिनका तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। राम राजा 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 राम जी कहते हैं हनुमान जी कुछ नहीं चाहिए, केवल उन चरणों का दास बना दो। तो बोले जाओ चित्रकूट पर। आज भी इस कलयुग में गोस्वामी जी ने अपना अनुभव लिखा है, पय आहार सट मास पुन राम नाम आहार, 6 महीने तक केवल दूध पी के राम नाम लेकर जो चित्रकूट में जप करता है उसे हनुमान जी की कृपा से आज भी राम जी का अनुभव हो जाता है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट गए, भगवान राम जी की प्रतीक्षा की, भगवान ने माया में भुला दिया। जहां तुलसीदास जी बैठे थे दर्शन की अभिलाषा में, तो भगवान आए एक हिरण के पीछे घोड़े पर धनुष बाण सवार होके। तुलसीदास जी ने देखा हत्या करना भी पाप, हत्या देखना भी पाप। बोले एक क्षत्रिय राजकुमार एक निरीह प्राणी का वध कर रहे हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। आंख बंद कर ली और जैसे ही राजकुमार निकल के गए, हनुमान जी आ गए। बोले तुलसीदास जी दर्शन हो गए ना? बोले वाह महाराज, सुबह से रात हो गई अभी तक तो भगवान आए नहीं। बोले अभी तो एक मृग के पीछे शिकारियों जैसा अभिनय करते हुए भगवान आए थे।
बोले हमने तो उनको देख के आंख बंद कर ली कि इन हत्यारों को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने फिर लिखा रामायण में कि श्री राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सारे संसार को सीताराम मैं देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाती है, तो सिय राम में सब जग जानी। हनुमान जी बोले अच्छा आप जाओ। मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर चंदन उतारना और बिना भेद भाव के सबको चंदन देना, वहां तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी मंदाकिनी किनारे गए, जाकर के चंदन घिसने लगे, जो भी नर नारी आया सबको चंदन दे दिया। फिर दो छोटे छोटे बालक आए, बाबा ने पास बिठाया। तुलसीदास जी ने उन बालकों से पूछा कि आप मेरे भगवान राम जी लक्ष्मण जी हो? बाबा बोले बाबा सुनो, संसार में जितने भी 5 बरस तक के बालक हैं या जितने भी संत हैं सब भगवान की ही मूर्ति हैं। तो तुलसीदास जी फिर माया में भटक गए, बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि बालक और संत भगवान की मूर्ति होते हैं, ये राम जी लक्ष्मण जी स्वीकार ही नहीं कर रहे। चंदन लगाने लगे बालक, तुलसीदास जी के चंदन लगाने लगे। तुलसीदास जी को कुछ आनंद आया, नेत्र पुलकित हुए। उसी समय तोता के रूप में हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब ये शब्द कान में सुनाई पड़े तो आंख खोला तब तक बालक गायब। बोले किसने कहा तिलक रघुवीर दे रहे हैं? हनुमान जी फिर आ गए, बोले तुलसीदास जी अब तो हो गया ना पूरा, पर देखो एक बात है, जब तक एक बार नहीं मिलते हैं तब तक तो सबर हो जाता है, और जब एक बार मिल जाते हैं फिर सबर नहीं होता है। अब बाबा ने देखा कि हनुमान जी तो मिल ही गए बुलाने वाले, तो बार बार दर्शन कर लो। अब क्या है, हमारे पास दरवाजा खोलने वाला पुजारी है, तो पुजारी से कहते रहो और दर्शन करते रहो। बोले हनुमान जी नहीं नहीं, अभी वादा पूरा नहीं हुआ। अवे न पूरे भई अभिलाषा जैसी पवन तनय तुम भाखा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम। सभी गाइए मीठी मीठी ताली से राम, सिया राम राम जय राम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, राति कलिते ललिते दिया पीकी, राति कलिते ललिते दिया पीकी। राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम, राम जय राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट सौभव मुनि विज्ञानी, व्याति आदि कवि वैद्य बखानी, सागे मुशुट गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती कलिते ललिते दिया पीकी। राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम
विजय राम 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 जय राम जय हो। कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभागी श्रतार मुक्ति जोपती की दलनी रोगे भाव मोरी अमीकी तात माते सवे विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरति कले दे रले दे दिये राम राम सिया राम सिया राम राम जय राम 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 सिया राम सिया राम राम जय राम 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 सिया राम 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 जय राम 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 सिया राम सिया राम राम जय राम। भारत की जय हनुमान लला की दल रघुनाथ कला की जाके मलती गिरिवर कांपे रोगी दोष जाके निकट न झापे अंजन पुत्र महाबल दाई सर सर के प्रभु सदाई देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जान सिया सुदिलाए लंका सी कोटि समुद्र सिखाई जात पवन विद बार न लाई लंका जारी असुर दल मारे सिया राम के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आजिस जीवन प्राण उबारे बैठी पताल दूर जब सारे हे रावण की भुजा उखारे आई भुजा असुर दल मारे रहने भुजा संग जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत यो हनुमान जी की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास को कीरति गाई राम राम सिया राम सिया राम राम जय राम 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 सिया राम सिया राम राम जय राम 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 सिया राम सिया राम जली।